देखिए आज हमारा पूरा विश्व एक संक्रमण को झेल रहा है, उससे जूझ रहा है, वो है कोरोना वायरस। आज सारा विश्व कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों? ज्योतिषों ने अगस्त में, अगर आप बहुत सारे ग्रंथ देखेंगे, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखेंगे, बहुत सारे ज्योतिषों के किताब में ये पहले से प्रकाशित हो चुकी है कि आने वाले जो दिन हैं वो पूरे विश्व के लिए संक्रमित हो सकता है, कोई ऐसा वायरस फैल सकता है, कोई ऐसी विश्व युद्ध स्तरीय कोई स्थिति पैदा हो सकती है। ये ज्योतिषी कैसे कह पाए? क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है हमारे सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में कालसर्प दोष का निर्माण 21 नवंबर 2019 से हो चुका है, जो लगभग प्रभावी 15 जून तक रहेगा और इसका पूरी तरीके से प्रभाव नवंबर 2020 तक रहेगा। वैसे 4 अप्रैल के बाद संक्रमण की संख्या में धीरे धीरे घटाव आएगा। अभी जो हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं जो कि 4 अप्रैल तक संक्रमित हो गए हैं। लेकिन एक चीज ज्योतिष में सबसे अच्छी चीज कही गई है कि जहां समस्या है वहां समाधान है। आखिर इसका समाधान क्या है? देखिए, ये जो पूरी जो कालसर्प दोष बनी है वो शनि, मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से बनी है और शनि इस समय बहुत प्रभावी है। उसके ठीक दूसरे नोट पे राहु और चंद्रमा बहुत प्रभावी है। तो अगर आप मंत्र उच्चारण पे विश्वास रखते हैं, मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप शनि का जो बीज मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, उसका जाप करें। ये आपके लिए संक्रमण से बचाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं अपने घर में बैठे। जो आपकी मानसिक गतिविधि जो थोड़ी बहुत पैनिक हो रही है, मानसिक तौर पर आप परेशान हो रहे हैं घर में लॉकडाउन के पीरियड में, अपनी मानसिक स्थिति को बचाने के लिए घर के ईशान कोण में बैठ के थोड़ा सा ध्यान करें। ईशान कोण में थोड़ा सा आप जल रखें। जिन लोगों को संभव हो ईशान कोण में ही जल रख के जल का सेवन करें। ये उनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, उनकी मानसिक स्थिति के लिए भी और उनकी इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन सी को कहा गया है कि हमारे शरीर में WBC का कारक होता है और WBC मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो अगर काले और नीले रंग के पॉट में ईशान कोण में नींबू रखते हैं और उस नींबू का सेवन करते हैं तो अनडाउटली हमारा WBC बढ़ेगा और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे हम कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं दूर जाएंगे। और सरकार द्वारा दी गई जितनी भी चेतावनियां हैं उसको हम लोग ध्यान दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। सरकार या कहीं की भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ही करती है, किसी दूसरे के लिए नहीं करती है। सचेत हमको रहना है, अपनी जिंदगी को खुद देखना है, यह हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं ज्योतिष सलाहकार के तौर पर कि ज्योतिष इसकी भविष्यवाणी कर चुका था और यह भी भविष्यवाणी कर रहा था कि इसका समाधान भी है और यह ठीक भी हो जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये एक बुरा वक्त है ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त हमेशा आता है, सिद्धांत कहता है, आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहता है और ज्योतिष सिद्धांत भी कहता है।